आज हम पढ़ेंगे एक वर्ल्ड फेमस शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ जिसे लिखा था ओ हेनरी ने ओ हेनरी ये इनका पेन नेम था इस नाम से ये लिखा करते थे इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज़ जो हैं वो लिखी हैं वैसे इनका एक्चुअल नेम था विलियम सिडनी पोर्टर तो आज ये हम पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास की मोमेंट्स बुक से ली गई स्टोरी शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लीफ इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे कि एक पेंटर है वो किस तरह से एक लड़की की जान बचाता है अपने मास्टर के जरिए अपनी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति के जरिए कैसे वो एक लड़की की जान बचाता है अपनी जान कुर्बान करके तो बहुत ही एक अच्छी और एक मार्मिक जो है स्टोरी है ये जिसे बहुत ही अच्छे ढंग से सुंदर ढंग से पेश किया गया है तो इसे हम पढ़ेंगे इसको पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा आपको तो शुरू करते हैं इट इज़ ओटम पतझड़ का मौसम है द विंड इज़ ब्लोइंग हार्ड हवा जो है विंड यानी हवा और वाइंड क्या होता है सेम स्पेलिंग होती है वाइंड डब्ल्यू आई एन डी उसका मतलब होता है चाबी घुमाना या चाबी भरना या गोल गोल घुमाना लपेटना वाइंड करना जैसे मोटर की वाइंडिंग की जाती है तो लेकिन यहाँ पर क्या है हवा विंड तो इसका प्रनशिएशन है यहाँ पर विंड द विंड इज ब्लोइंग हार्ड हवा जो है वो कठोर रूप से बह रही है यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड है यानी तूफान की तरह से बहुत तेज हवा चल रही है एंड इट इज रेनिंग हैविली और बहुत ही तेज बारिश हो रही है ऑल द लीव्स ऑन एन आई वी क्रीपर जितने भी पत्ते हैं वो सारे के सारे किस पर ऑन एन आई वी क्रीपर आई वी की बेल के ऊपर क्रीपर यानी कि बेल आई वी की बेल होती है उसके ऊपर जितने भी पत्ते हैं फोलन वो सारे के सारे झड़ चुके हैं गिर चुके हैं एक्सेप्ट वन सिवाय एक के यानी एक पत्ते को छोड़कर के सारे पत्ते जो हैं वो गिर चुके हैं वाइट द लास्टली फोल और वो अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है सारे रहस्य यही है कि वो अंतिम पत्ता क्यों नहीं गिरता है चलिए इसको पढ़ते हैं अब स्यू एंड जोनसी टू यंग आर्टिस्ट्स स्यू और जोनसी तो कि जो कि दो युवा कलाकार थी पेंटर्स थी शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट वो एक छोटे से फ्लैट को शेयर करती थी आपस में बांटती थी यानी उसमें रहती थी द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस ये जो फ्लैट था अपार्टमेंट था घर था कमरा था ये कहाँ था वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी एस टी ओ आर ई वाई जब ई लगा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है अब ये कहानी नहीं है अब ये मंजिल है थर्ड uh, फ्लोर या थर्ड स्टोरी मंजिल द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी जो फ्लैट था वो तीसरी मंजिल पर था ऑफ एन ओल्ड हाउस एक पुराने घर के एक पुराने घर की तीसरी मंजिल पर ये फ्लैट बना हुआ था जहाँ वो रहा करती थी जोनसी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवम्बर जो जोनसी थी वो बहुत सख्त रूप से बीमार पड़ गई बहुत गंभीर रूप से बीमार बीमार पड़ गई इन नवंबर नवंबर के महीने में शी हैड निमोनिया उसे निमोनिया हो गया यानी फेफड़ों की लंग्स की एक बीमारी निमोनिया हो गया जिसमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लग जाती है कई बार शी वुड लाई इन हर बेड वह अपने बिस्तर में ही पड़ी रह, रहती थी विदाउट मूविंग बिना हिले डुले जस्ट गेजिंग आउट ऑफ द विंडो सिर्फ जस्ट एंड सिर्फ गेज गेज आउट यानी बाहर देखते हुए टक लगा करके घूर के, के यानी एक ही जगह फिक्स्ड आइज के साथ देखना गेज या स्टेयर आउट ऑफ द विंडो खिड़की के बाहर एक ही जगह वो जो है देखती रहती थी स्यू हर फ्रेंड उसकी जो सहेली थी जिसका नाम क्या था स्यू बिकेम वेरी वरिड वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गई शी सेंट फॉर द डॉक्टर और उसने डॉक्टर के लिए बुलावा भेजा सेंट फॉर सेंड फोर से बन गया सेंट फोर सेंड का मतलब होता है भेजना क्या बुलावा तो उसने बुलावा भेजा यानी बुलाना वैसे बुलाना कोल होता है लेकिन जब किसी को बुलावा भेजा जाता है तो उसको हम कहते हैं सेंड फोर वैसे सेंड का मतलब क्या होता है भेजना ना कि बुलाना लेकिन सेंड के साथ में फोर लग जाए तो क्या हो जाएगा बुलावा भेजना यानी कि बुलाना तो शी सेंट फॉर द डॉक्टर उसने डॉक्टर के लिए बुलावा भेजा यानी डॉक्टर को बुलाया Day, एल्दो ही केम एवरी डे हालांकि एल्दो यानी हालांकि या यद्यपि ही केम एवरी डे वो हर रोज आया करता था देर वॉज नो चांस इन जोनसीज देर वॉज नो चेंज इन जोनसीज कंडीशन लेकिन फिर भी क्या था कि जोनसी की जो कंडीशन थी जोनसी की जो हालत थी उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा था कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था जबकि डॉक्टर रोज आया करता था उसकी हालत को देखने के लिए वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एक दिन जो डॉक्टर है वो स्यू को असाइड यानी एक तरफ ले गया टुक ले गया एंड आस्क्ड हर और उससे पूछा इज एनी थिंग वरिंग जोनसी क्या कोई ऐसी चीज़ है जो, जो जोनसी को परेशान कर रही है चिंतित कर रही है क्या ऐसा कुछ है क्या उसको किसी चीज़ की कोई टेंशन है नो रिप्लाइड स्यू स्यू ने जवाब दिया नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है बट वाई डू यू आस्क लेकिन आप ऐसा क्यों पूछते हो ऐसी क्या बात है द डॉक्टर सेड डॉक्टर ने कहा जोन्सी इट सीम्स हैज़ मेड अप हर माइंड दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू गेट वेल ऐसा लगता है इट सीम्स ऐसा लगता है जोन्सी के बारे में कि जोन्सी हैज मेड अप हर माइंड कि जोनसी ने अपना मन बना लिया है क्या क्या मन बना लिया दैट कि शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल कि वो ठीक नहीं होने वाली है कि उसकी हालत जो है सुधरने वाली नहीं है शायद उसने अपना ऐसा मन बना लिया है इफ़ शी डॉन्ट टू लिव मेडिशंस विल नॉट हेल्प हर Uh, यदि वो जीना ही नहीं चाहती तो दवाइयाँ भी उसकी सहायता नहीं कर सकती स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जोन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर स्यू ने अपनी पूरी कोशिश की टू मेक जोनसी टेक एन इंटरेस्ट जोन्सी को रुचि दिलवाने के लिए इन थिंग्स चीज़ों में अराउंड हर जो उसके आसपास थी यानी श्यू जो उसकी सहेली थी उसने पूरी कोशिश की कि जोनसी जो है अपने आसपास की चीज़ों में रुचि लेना शुरू कर दे उदास ना रहे चिंता ना करे शी टोक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस वह जो है कपड़ों के बारे में और फैशंस के बारे में जो है बातें किया करती थी उससे बट जोनसी डिड नॉट रिस्पोंड लेकिन जोनसी ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जोनसी ने उसकी बात बातों का कोई भी जवाब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जोनसी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड जोन्सी जो है वो अभी भी अपने बेड के ऊपर ही पड़ी रहा करती थी स्टिल यानी अभी भी स्यू ब्रोट हर ड्रॉइंग बोर्ड इन टू जोनसीज रोम स्यू जो है अपना ड्रॉइंग बोर्ड क्योंकि स्यू भी एक पेंटर थी तो वो जो है ड्रॉइंग बोर्ड के ऊपर जो पेंटिंग किया करती थी वो अपना ड्राॅइंग बोर्ड उठा करके जोन्सी के कमरे में ही ले आई एंड स्टार्टेड पेंटिंग क्योंकि जोन्सी जो है वो बीमार थी इसलिए उसको ज़रूरत थी किसी हेल्पर की तो इसलिए उसके कमरे में जो है वो अपना ड्राइंग बोर्ड उठा करके ले आई ताकि वो अपना काम भी कर सके और उसकी देखभाल भी कर सके एंड स्टार्टेड पेंटिंग और उसने पेंटिंग करना शुरू कर दिया टू टेक जोनसीज माइंड ऑफ हर इलनेस जोनसी का मन जो है उसकी बीमारी से हटाने के लिए शी विसल वाइल्ड वर्किंग तो वह मजाक मजाक में क्या करती थी काम करते हुए वाइल्ड वर्किंग यानी जब वो काम कर रही होती थी तो साथ में विसल करती थी यानी कि सीटी भी बजाया करती थी ताकि जोनसी जो है वो थोड़ी सी खुश रह सके उसके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक किया जा सके सडनली अचानक ही स्यू हर्ड जोनसी विस्पर समथिंग स्यू ने जोन्सी को कुछ फुसफुसाते हुए सुना स्यू ने जोन्सी को विस्पर यानी फुसफुसाते हुए कुछ फुसफुसाते हुए विस्पर करते हुए सुना वो पता नहीं क्या बड़बड़ा बढ़ा रही थी शी क्विकली रस्ट टू द बेड वह क्विकली तुरंत ही रस्ट दौड़ करके गई टू द बेड बिस्तर तक एंड हर्ड और सुना जोनसी जोनसी को काउंटिंग बैकवर्ड्स उल्टी गिनती गिनते हुए यानी जोनसी जो थी वो उल्टी गिनती गिन रही थी और यही उसकी फुसफुसाहट हाँ थी और उसने ये सब सुना शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो वै खटकी के बाहर देख रही थी एंड वो सेंग और बोल रही थी ट्वेल्व बारह आफ्टर सम टाइम शी विस्फ और कुछ समय के बाद वो फिर से फसफूस आई एलेवन ग्यारह एंड टेन और उसके बाद दस देन नाइन और उसके बाद नौ एट आठ सेवन सात स्यू एंक्शिय लुक्ड आउट ऑफ द विंडो स्यू ने चिंतापूर्वक एंक्शली बेचैनी से या चिंतापूर्वक विंडो खिड़की के बाहर देखा शी साइन ओल्ड आईवी क्रीपर और उसने एक पुरानी आईवी की बेल को देखा क्लाइंबिंग चढ़ते हुए हाफ वे अप द ब्रिक वोल जो ईटों की बनी दीवार थी उसके ऊपर आधे रास्ते यानी आधी वो चढ़ चुकी थी आ, आधी जो है ब्रिक वाल के ऊपर चढ़ी हुई उसने वो आईवी की जो क्रीपर थी बेल थी वो देखी और वो कहा थी ब्रिक वॉल विंडो जो कि उनकी खिड़की के बिल्कुल विपरीत दिशा में थी वो, ब्रिक वॉल उसके ऊपर आधी चढ़ी हुई वो जो आईवी की क्रीपर थी उसने उसको देखा इन द स्ट्रोंग विंड आउटसाइड द क्रीपर वो शेडिंग इट्स लीव्स इन द स्ट्रॉ विंड आउटसाइड बाहर जो तेज हवा चल रही थी तूफानी हवा जो चल रही थी द क्रीपर वो शेडिंग इट्स लीव्स वो जो आईवी की बेल थी वो अपने पत्तों को गिरा रही थी शेड कर रही थी उसके पत्ते झड़ रहे थे गिर रहे थे तूफान की वजह से तेज हवा की वजह से आगे देखते हैं वट इज इट डियर स्यू स्यू ने उसे पूछा कि ये सब क्या है प्यारी स्यू प्यारी जोनसी ये सब क्या है सियोनियो से पूछा सिक्स विस्पर जोनसी। जोनसी ने फिर से फुसफुसाते हुए क्या कहा छः उल्टी गिनती उसकी जारी है दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ अब वे तेजी से गिर रहे हैं क्या पत्ते थ्री डेज अगो तीन दिन पहले देर वर ऑलमोस्ट अ हंड्रेड लीव्स लगभग सौ के आसपास पत्ते थे उसके ऊपर ऑलमोस्ट यानी लगभग देर आर ओनली फाइव लेफ्ट नाउ अब सिर्फ लगभग पाँच ही बचे हैं सिर्फ पांच ही बचे हैं अब इट इज ओटम और पजझड़ का समय है सेड श्यू श्यू ने कहा एंड द लीव्स विल फॉल तो पत्ते तो गिरेंगे ही ना भाई पतझड़ का समय है तो पत्ते तो झड़ेंगे ही श्यू कहती है जोनसी को इसमें ज्यादा अचंबा करने की क्या बात है तुम इसके लिए क्यों परेशान होती हो वेन द लास्टली फॉल्स आई विल डाई सेड जोनसी विद फाइनेलिटी जोनसी ने पूरे पक्के या आश्वस्त तौर पर कहा फाइनेलिटी के साथ कहा क्या कि जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा वेन द लास्टली फॉल्स जब अंतिम पत्ता गिर जाएगा प्रेजेंट इन डेफिनेट भी फ्यूचर को दिखाता है जो नियर फ्यूचर होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी दिखाता है तो इसलिए यहां पर फॉल्स का प्रयोग किया गया है तब क्या होगा जब अंतिम पत्ता भी गिर जाएगा तो आई विल डाई तो मैं मर जाऊंगी ये उसने धारणा बना ली है कि जब अंतिम पत्ता गिरेगा तो साथ ही मैं भी मर जाऊंगी आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट थ्री डेज Uh, मैंने ये पिछले तीन दिनों से जाना है क्या कि जब अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं भी मर जाऊंगी क्योंकि इसके पत्ते गिर रहे हैं और मेरा स्वास्थ्य भी गिर रहा है तो जब भी इसका अंतिम पत्ता गिर जाएगा या तो मैं साथ में मैं भी मर जाऊंगी उसके मन में ये बिलीफ बन गया है ओ दैट्स नॉन सेंस रिप्लाईड स्यू स्यू ने जवाब देते हुए कहा यह क्या मूर्खतापूर्ण बात है ऐसा कैसे हो सकता है तुम तुम्हारा उससे क्या संबंध है वट हैव ओल्ड आई वी क्रीपर्स टू डू विद योर गेटिंग वेल पुराने जो आईवी वी की बेल के पत्ते हैं इनका तुम्हारे ठीक होने से क्या संबंध है भला गेट वेल well यानी ठीक होना रिकवर होना तुम्हारे ठीक होने से इन आईवी के पत्तों का क्या संबंध है द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट डॉक्टर को पूरा विश्वास है दैट यू विल गेट बेटर कि तुम जो है बिल्कुल ठीक हो जाओगी स्वस्थ हो जाओगी बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है जोसी डिड नॉट से एनी थिंग ने कुछ भी नहीं कहा वो चुप रही शांत रही कुछ भी नहीं बोली स्यू वेंट स्यू वहां से चली गई एंड ब्रोट हर अ बोल ऑफ़ सूप इसे हम पढ़ेंगे बोल ना कि बाउल या बावल बोल शी वेंट स्यू वेंट स्यू चली गई एंड ब्रोट हर और उसके लिए ले आई अ बोल ऑफ सूप यानी सूप से भरा हुआ एक कटोरा वो उसके लिए लेकर के आई आई डोंट वॉन्ट एनी सूप मैं कोई भी सूप नहीं पीना चाहती सेट जोनसी जोनसी ने कहा आई एम नॉट हंग्री मुझे भूख नहीं है नाउ देर आर ओनली फोर लीवस लेफ्ट उसका ध्यान अभी भी वहीं पर लगा हुआ है अब अभी सिर्फ जो है ना चार ही पत्ते बचे हैं आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल और मैं अंतिम पत्ते को भी गिरते हुए देखना चाहती हूँ बिफोर इट गेट्स डार्क अंधेरा होने से पहले पहले अंतिम पत्ते को भी मैं गिरते हुए देखना चाहती हूँ देन आई विल स्लीप फॉर एवर और तब मैं जो है हमेशा हमेशा के लिए सो जाऊंगी फॉर एवर यानी हमेशा के लिए यानी मैं मर जाऊंगी मेरी डेथ हो जाएगी श्यू सेट ऑन द जोनसीज बेड शू सेट ऑन जोसीज बेड शू जो है वो जोन्सी के बेड के ऊपर बैठ गई किस हर उसे चूमा एंड सेड और कहा यू आर नॉट गोइंग टू डाई अरे भाई तुम नहीं मरोगी आई कांट ड्रॉ द करटेन फॉर आई नीड द लाइट मेरी मजबूरी है मैं पर्दे को ढक नहीं सकती पर्दे को मैं खींच नहीं सकती क्योंकि मुझे फोर यानी क्योंकि फोर यानी क्योंकि आई नीड द लाइट क्योंकि मुझे रोशनी की आवश्यकता है मुझे लाइट चाहिए इसलिए मैं पर्दे को ढक नहीं सकती मेरी मजबूरी है उसे लाइट क्यों चाहिए क्योंकि उसे पेंटिंग बनानी है इसलिए अंधेरे में तो बना नहीं सकती तो इसलिए उसको लाइट चाहिए इसलिए वो कहती है कि मैं पर्दे को ढक नहीं सकती मेरी मजबूरी है तो कृपया करके तुम जो है शांत रहो और बाहर मत देखो आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग मैं पेंटिंग को ख़त्म कर देना चाहती हूँ मुझे पेंटिंग पूरी करनी है एंड गेट सम मनी फॉर अस और हमारे लिए कुछ धन जुटाना है क्योंकि मैं पेंटिंग बनाऊंगी और उसको बाज़ार में बेचूंगी तभी हमें थोड़े से पैसे मिलेंगे और हमारा गुजारा चल सकेगा इसलिए मैं जो है पर्दा नहीं ढक सकती और मुझे इस कमरे में भी रहना पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हारी देखभाल करनी है और इसलिए मुझे लाइट चाहिए पेंटिंग बनाने के लिए तो प्लीज़ माई डियर मेरी प्रिय कृपया करके ये दिखाया गया है ये जोनसी और ये स्यू जोनसी जो है वो आईवी की क्रीपर को बाहर देखती है देख रही है, जा, रही है। आगे देखते हैं माय डियर फ्रेंड प्लीज ऐसा मत करो शी बैग जोनसी उसने जोन, जोनसी के सामने बैक किया यानी कि गिड़गिड़ाई उसके सामने याचना की प्रोमिस मुझसे वायदा करो नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो कि तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी आई पेंट जब मैं पेंट कर रही हूँ तो तुम बाहर जा कर के नहीं देखोगी ऑल राइट सेट जोनसी जोनसी ने कहा ठीक है फिनिश योर पेंटिंग सून अपनी पेंटिंग को जल्दी समाप्त कर लो फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्टली फॉल क्योंकि अंतिम पत्ते को मुझे गिरते हुए देखना है अभी चार बचे हुए थे ना तो अंतिम पत्ता तो मुझे गिरते हुए देखना ही है आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग इंतजार कर करके मैं थक गई हूँ आई हैव टू डाई मुझे मरना है सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स आई हैव टू डाई मुझे मरना ही है सो लेट मी गो अवे पीसफुली मुझे शांति से चले जाने दो सो so इसलिए मुझे शांति से चले जाने दो लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स उन बेचारे पुअर यानी बेचारे थके हुए पत्तों की तरह यानी मुझाए हुए बेचारे उन पत्तों की तरह जैसे वो झड़ झड़ के गिरे जा रहे हैं उसी तरह से मुझे भी जाना है मुझे शांति से चले जाने दो मुझे मरना है ट्राई टू स्लीप सेड स्यू स्यू ने जो से क्या कहा ट्राई टू स्लीप जरा सोने की कोशिश करो ये फालतू तो बकवास बातें मत सोचो आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर मुझे एक बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है पेंट करना है बूढ़े खनिक का माइनर जो खान में काम करने वाला मजदूर है मुझे उसका चित्र बनाना है उस बूढ़े खनिक का चित्र बनाना है आई विल कॉल बैरमन अप टू बी माय मॉडल और उसका चित्र बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? बैरमन को आप यानी ऊपर बुलाऊंगी टू बी माय मॉडल मेरा मॉडल बनने के लिए कि उसको देख देख करके मैं पेंटिंग कर सकूँ क्योंकि वो भी बूढ़ा है लेकिन बैरमन कोई माइनर नहीं है वो भी एक पेंटर है बहुत बड़ा पेंटर है श्यू रश डाउन श्यू जो है वो दौड़ करके फटाफट नीचे गई बैरमन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर क्योंकि जो बैरमन था वो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर रहता था इसलिए उसको बुलाने के लिए वो दौड़ के नीचे गई ही वॉज अ सिक्सटी ईयर ओल्ड पेंटर और वह साठ साल का बूढ़ा पेंटर था हीज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस बट वट हैड रिमेन बट डेट हैड रिमेंड अ ड्रीम उसके पूरे जीवन का एक ही ड्रीम था वो क्या था वो था टू पेंट पेंट करना अ मास्टर पीस एक मास्टर बनाना उसके जीवन का एक बहुत बड़ा ड्रीम था मास्टर यानी कि uh, सर्वश्रेष्ठ कलाकृति यानी उसके जीवन की सबसे अच्छी पेंटिंग वो बनाना कि जो किसी ने आज तक ना बनाई हो ऐसी पेंटिंग बनाना ये उसके पूरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना था बट दैट हैड रिमेन अ ड्रीम रिमेन यानी बने रहना लेकिन वो जो है ना सिर्फ एक सपना ही बन करके रह गया था श्यू पोर्ड आउट हर वरीज टू पैरमन स्यू ने पोर यानी उडेल देना पोर आउट यानी उडेल दी हर वरीज अपनी चिंताएं टू बैरमन बैरमन के ऊपर यानी सारी बात जो थी जोन्सी के बारे में उसने स्यू ने बैरमन को बता दी स्यू टोल्ड हिम स्यू ने उसे बताया कि हाउ जोन्सी वाज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीव फेल स्यू ने उसे क्या बताया स्यू टोल्ड हिम स्यू ने उसे बताया कि हाउ जोन्सी वाज कन्विंस्ड कि जोन जोनसी कैसे आश्वस्त हो चुकी थी कैसे उसको पक्का लगने लग गया था कैसे उसने धारणा बना ली थी शी वुड डाय मर जाएगी ये इंडायरेक्ट स्पीच है रिपोर्टेड स्पीच है ये इनडायरेक्ट स्पीच वेन द लास्ट लिफ फेल कि जब अंतिम पत्ता गिरेगा तो वो जो है मर जाएगी ऐसी उसने धारणा बना ली थी ये बात उसने उसको बताई उसने क्या बोला था जॉनसी ने कि आई विल डाई वेन द लास्ट लीफ फेल्स वेन द लास्ट लीफ फेल्स आई विल डाई तो विल का वुड हो गया और फॉल्स का फेल हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में इज ट्यूपिड क्या वो मूर्ख है इतनी बेवकूफ है वो आस्क बैरमन बैरमन ने पूछा हाउ कैन शी बी सो फुलिश वो इतनी मूर्ख कैसे हो सकती है शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन स्यू श्यू ने शिकायत करते हुए कहा उसे तो बहुत ही तेज बुखार भी है शी रिफ्यूज टू ईट और ड्रिंक एंड देट वरिजमी अलॉट शी रिफ्यूज वह मना करती है इनकार करती है टू ईट और ड्रिंक खाने और पीने से एंड और दैट वरिजमीट अलॉट यानी बहुत ज्यादा और यही मुझे बहुत ज़्यादा चिंतित करती है बात कि वो खाती पीती भी नहीं है अनशन करे बैठी है एक तो बीमार है निमोनिया है उसे और ऊपर से वो कुछ खाती पीती भी नहीं है और चिंता में इतना डूबी रहती है कि अंतिम पत्ता गिरेगा आई वी ग्रिपर का तो मैं मर जाऊँगी बेवकूफों वाली हरकतें कर रही है आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और जोनसी को जो है देखूंगा यानी उससे मिलूंगा सी यानी मिलूंगा बैरमन सेड बैरमन ने कहा दे टिप टॉड इन टू द रूम उन्होंने कमरे में जो है दबे पांव पंजे के बल प्रवेश किया वे कमरे में घुसे टिप टोड यानी बिना कोई आवाज किए पंजे के बल बिना किसी आहट के आराम से आए जोनसी वो स्लीपिंग जोनसी जो थी वो सो रही थी सी ड्रू द कर्टेन्स टुगेदर सी ने सारे पर्दे इकट्ठे खींच दिए यानी उन्होंने ढक दिया एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम और वो जो है अगले कम, अगले कमरे में चले गए कौन बैरमन और सी उसने पर्दे क्यों खींचे ताकि जो जोनसी है वो बाहर कहीं ना देखने लग जाए और अंतिम पत्ता गिर गया तो उसका हौसला ना टूट जाए और वो कहीं मारी ना जाए शिप पीप्ड आउट थ्रू द विंडो और वो जब अगले कमरे में दोनों के दोनों चले गए तो उसने खिड़की के बाहर झाँक करके देखा दूसरे कमरे में जा करके के देर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर अब बेल के ऊपर सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ था इट वॉज रेनिंग हैवली और बड़ी तेज बारिश हो रही थी एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग और एक बर्फ जैसी ठंडी हवा बह रही थी तो इतने बुरे इतने ख़राब मौसम में क्या वो अंतिम पत्ता बचेगा वो जल्दी जड़ जाएगा और जैसे ही जोन्सी जो है बाहर देखेगी और उसको अंतिम पत्ता नहीं मिलेगा तो उसका हौसला टूट जाएगा और फिर कुछ भी हो सकता है इट्स सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ अब ऐसा लगने लगा था एज दो मान मानो किया हालांकि जैसे कि क्या होने वाला था द ली फूड फॉल एनी मिनट नाउ अब किसी भी मिनट किसी भी क्षण वो जो अंतिम पत्ता है वो गिर जाएगा बैरमन डिड नॉट से अवर्ड। आ, बहरमन ने एक भी शब्द नहीं कहा नहीं बोला वो एक भी शब्द ही वेंट बैक टू हिज रूम। वह अपने कमरे में चला गया जोनसी वॉकअप नेक्स्ट मॉर्निंग जोनसी अगली सुबह उठी इन फीबल वॉइस ए कमजोर सी क्षीण सी आवाज में मरियल सी आवाज में शी आस्ट श्यू यानी जॉनसिन ने श्यू से पूछा एक बड़ी दबी हुई आवाज़ में क्योंकि खाती पीती तो थी नहीं शरीर में जान तो थी नहीं उसके बीमार थी आर टू ड्रो द करटेंस पर्दे खींचने के लिए नहीं हटाने के लिए उसने उसको कहा श्यू वॉज नर्वस श्यू जो थी अब बेचैन हो गई कि अब क्या किया जाए वो अंतिम पत्ता अब जड़ गया होगा तो क्या होगा शी ड्यू बैक द करटेंस वेरी रिलकटेंटली उसने उन पर्दों को खींच दिया यानी खोल दिया वेरी रिलकटेंटली यानी अनविलिंगली रिलेक्टेंटली यानी कि अनविलिंगली यानी बिना इच्छा के उसने मन मार के उस पर्दों को जो है खींच दिया हटा दिया ओ एक्सक्लेम्ड एच सी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर अरेम्ब स्यू ने हैरानी के भाव प्रकट करते हुए कहा एच ई लुक्ड एट द वाइन क्रीपर वो जो बेल थी वाइन भी बेल ही होता है तो वो जो बेल थी आईवी की उसके ऊपर उसने देखा हैरानी प्रकट करते हुए कि लुक, अरे देखो देर इज स्टिल ऑन द क्रीपर उस बेल के ऊपर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन और अभी भी ये हरा भरा है एंड हेल्दी और ताजा दिखाई देता है इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म इन स्पाइट ऑफ क्या होता है के बावजूद इन स्पाइट ऑफ द स्टोर्म तूफान के बावजूद एंड द फियर्स विंड्स और प्रचंड हवाओं के बावजूद प्रचंड हवाओं के फियर्स यानी वेरी बहु, स्ट्रॉन्ग बहुत ही प्रचंड हवा उन सब के बावजूद और तूफान के बावजूद डिड नॉट फॉल यह गिरा नहीं आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेट जौनसी जोनसी ने कहा मैंने पिछली रात को लास्ट नाइट पिछली रात पिछली रात को मैंने हवा को सुना था यानी हवा बहुत तेजी से चल रही थी तो उसकी आवाज मुझे सुना, मुझे सुनाई पड़ रही थी आई थॉट इट वुड हैव फॉलन मुझे तो ऐसा लगा यानी मैंने ऐसा सोचा कि ये तो गिर गया होगा गिर चुका होगा ये तो इट विल श्योरली फॉल टूडे आज जो है ना आज तो ये पक्का गिर ही जाएगा कल नहीं गिरा ना आज तो गिरेगा पक्का गिरेगा देन आई विल डाई और तब मैं मर जाऊंगी You won't die. अरे भाई नहीं मरोगी तुम सैड सियो एनर्जेटिकली बहुत ही ऊर्जा से कहा सियो ने मेरी बात मानो तुम नहीं मरोगी यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जीना होगा वट वुड हैपन टू मी मेरा क्या होगा इफ यू डाई यदि तुम मर गई तो जो सी स्माइल्ड वीकली जोन ने जो है बहुत ही कमजोरी के साथ मुस्कुराते हुए कहा एंड क्लोज आइज और अपनी आंखें बंद की आफ्टर एवरी आर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो लगभग प्रत्येक घंटे या कुछ ऐसा ही लगभग एक घंटे के आसपास शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो वह जो है हर घंटे खिड़की के बाहर देखा करती थी एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर और उसको अभी भी वो पत्ता वहीं पर मिलता था इट्सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रिपर और ऐसा लगने लगा था कि ये जो है क्लिंग यानी चिपके हुए था उस बेल से चिपके हुए था उसको ऐसा लगने लगा कि ये पत्ता तो जो है ना गिरता ही नहीं है उस बेल से जैसे चिपका पड़ा है जैसे फेविकोल से किसी ने चिपका डाला है उसको इन शाम के समय अनदर एक और तूफान आया, बट लीफ डिड नॉट फोल लेकिन पत्ता अभी भी नहीं गिरा जोनसी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ जोनसी जो है उस पत्ते की तरफ देखते हुए लंबे समय तक पड़ी रही लेटी रही देन शी कॉल्ड आउट टू सी और तब उसने सी को पुकारा आई हैव बीन अ बैड गर्ल मैं एक बुरी लड़की रही हूँ यानी साबित हुई हूँ यू हैव लुकड आफ्टर मी लुक आफ्टर क्या होता है देखभाल करना लुक uh, फोर होता तो उसका मतलब होता है ढूंढना लेकिन लुक आफ्टर यानी देखभाल करना यू हैव लुकड आफ्टर मी तुमने मेरी देखभाल की है सो लविंग लगी इतने प्यार से एंड आई हैव नॉट कॉपरेटेड विद यू लेकिन मैंने तुम्हारा सहयोग नहीं किया है कोपरेट यानी सहयोग करना आई हैव बीन डिप्रेस्ड मैं उदास रही हूँ अवसाद में रही हूँ डिप्रेस रही हूँ उदास रही हूँ अवसाद में रही हूँ एंड ग्लूमी यानी और अंधेरे में रही हूँ मैं उदास रही हूँ और अंधेरे में रही हूँ यानी निराश रही हूँ डिसअपॉइंटेड रही हूँ द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन इस अंतिम पत्ते पत्ते ने मुझे दिखा दिया है कि हाउ विकेट कि कितनी दुष्ट कितनी शैतान आई हैव बीन मैं रही हूँ कि मैंने जो है आ, मैं जो है अड़ी रही मेरी बात के ऊपर की अंतिम पत्ता गिरेगा तो मैं मर जाऊंगी कितनी गलत धारणा मैंने बना ली थी तो मुझे बार बार कहती रही कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा तो मैं कितनी दुष्ट बनी रही हूँ कितनी शैतान बनी रही हूँ कितनी विकेट रही हूँ कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी आई हैव रियलाइज मैंने एहसास कर लिया है रियलाइज कर लिया है दैट इट इज़ अ सिन एक पाप है कि पाप टू वॉन्ट टू डाई मरने की चाहत रखना एक बहुत बड़ा पाप है कि हमें ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए इस तरह की चाहत नहीं रखनी चाहिए पाप है शी हग जोनसी हग यानी गले मिलना आलिंगन करना तो वह जोनसी से गले मिली देन शी गेव हर लोड्स ऑफ हॉट सूप और तब उसने यानी, शिव ने जोनसी को पिलाया क्या लॉट्स ऑफ हॉट सूप बहुत सारा गर्म सूप एंड ए मिरर और तब उसने उसको दिया क्या एक शीशा आइना जोनसी कोम्ब हर हेयर जोनसी ने अपने बालों में कंगी की संवारा अपने बालों को एंड स्माइल ब्राइटली और आ, ब्राइटली उसने जो है मुस्कुराहट दी चमकते हुए एक बहुत ही अच्छी सी स्माइल उसने पास की इन द आफ्टरनून और दोपहर के समय द डॉक्टर केम डॉक्टर आया चिकित्सक जो था वो आया आफ्टर हिज पेशेंट और अपने पेशेंट को यानी अपने मरीज को उसका परीक्षण करते हुए ही टोल्ड स्यू उसने सी को बताया जोनसी नाउ हैज़ द विल टू लीव जोनसी के अंदर अब जीने की इच्छा आ गई है विल यानी इच्छा तो जो इच्छा होती है हमारी वो तो कोई छोटी चीज़ नहीं होती जो हमारी इच्छाएं होती हैं जो विलिंग्स होती हैं वो कोई छोटी बात नहीं होती जिसे हम इग्नोर कर देते हैं बहुत बड़ी बात होती है वो पहले और अब में सिर्फ क्या फ़र्क आया है जोनसी के अंदर पहले उसके अंदर इच्छा नहीं थी जीने की और अब जो है इच्छा आ गई है उसके अंदर जीने की सिर्फ यही कारण है कि जोनसी जो है वह अब स्वस्थ होती जा रही है जैसा कि डॉक्टर ने भी कहा था कि दवाइयां तब तक काम नहीं करने वाली जब तक उसके अंदर जीने की चाहत ना हो जो स्टीफन होकिंग्स थे जो पूरी तरह से पैरलाइज थे उन्होंने भी एक इंटरव्यू में कहा था जब उनसे पूछा गया कि इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में भी जब आपका पूरा शरीर पैरालाइज था और डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आप जो है कुछ सालों से ज़्यादा जी नहीं सकेंगे क्योंकि बहुत ही यंग एज के अंदर ही उनको जो है वो अटैक हो गया था पैरालिसिस का आ, तो वो जो है ज़्यादा समय तक जीने वाले नहीं थे ऐसी बीमारी थी उनको लेकिन फिर भी वो इतने समय तक जी पाए डॉक्टर्स ने कहा था कि ज़्यादा समय तक वो जी नहीं सकेंगे लेकिन फिर भी वो जी पाए और ओल्ड एज के अंदर जा के अभी कुछ साल पहले ही उनकी डेथ हुई तो किसी इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप इतना लंबे समय तक जी कैसे सके जबकि मेडिकली तो जो है आप इस बीमारी में ज़्यादा समय तक जी नहीं सकते थे तब उन्होंने बताया था कि उनके अंदर जीने की चाहत थी विल टू लीव जीने की चाहत थी और दुनिया के लिए कुछ करने की चाहत थी वो जब इतने ज़्यादा बीमार थे पैरालाइज अवस्था में थे तब भी वो जो है कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव काम करते ही रहते थे क्योंकि उन उनके अंदर विल पावर थी तो उस विल पावर ने ही उनको बचाए रखा अगर वो जीने की इच्छा छोड़ देते तो बहुत पहले ही मर चुके होते तो यही बात जो के साथ थी और हमारे साथ भी है तो जो हमारा हौसला होता है जो जीने की इच्छा होती है वो बहुत बड़ी बात होती है ये छोटी बात नहीं होती अगर किसी के अंदर से जीने की इच्छा ख़त्म हो जाए तो फिर सुसाइड करने की सोचने लग जाता है बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करने लग जाता है जीवन में उसको कोई रस नहीं आता कोई आनंद नहीं रहता फिर वो उसका जीना भी मरने जैसा ही हो जाता है आई एम कॉन्फिडेंट और ऐसी अवस्था जो है हम में से बहुत सारे लोगों की है बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता और जिनको पता भी होता है तो भी वो अपनी जिंदगी को सीटते रहते हैं घसीटते रहते हैं घसीटते रहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून मुझे पक्का विश्वास है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी नाओ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बैरमन नाओ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स अब मुझे जो है नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर करके जाना होगा एंड सी बैरमन और बैरमन से मिलना होगा ये जो इस तरह की अवस्था होती है जब हम जीने की इच्छा छोड़ देते हैं कई बार हम बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं इतने ज़्यादा थक जाते हैं अपनी ज़िंदगी को जीते 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 वही पुराने डर्रे वाला काम करते करते जो बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के बाद भी एक बर्नआउट के शिकार हो जाते हैं कि उनके अंदर की जो इच्छा होती है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है अब अब कुछ पाने के लिए कुछ शेष नहीं रहता उनके जीवन में या वो उस सफलता के शिखर तक पहुँचने के लिए इतने ज़्यादा थक चुके होते हैं इतने ज़्यादा बर्नआउट हो जाते हैं और डिप्रेस हो जाते हैं कि उनकी जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है और अब वो और ज़्यादा जीना नहीं चाहते जीवन से उनका भी मोह भंग होने लग जाता है तो इस तरह की स्थिति से हमें बचना चाहिए उसके लिए हमें जो कुछ भी किया जा सकता है वो करना चाहिए अगर उसके लिए चिकित्सकीय परामर्श की, की आवश्यकता है तो उससे भी हमें लेना चाहिए क्योंकि जो मेंटल डिजीज़ होते हैं उनके अंदर सबसे पहले तो हमें पता ही नहीं होता कि हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है और अगर पता होता भी है थोड़ा बहुत तो भी हम इग्नोर करते रहते हैं और डॉक्टर के पास जो है जाना पसंद नहीं करते तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए आ, वैसे तो सबसे पहले सबसे बड़े चिकित्सक उस केस में आप खुद ही होते हैं जो मेंटल परेशानियां होती हैं कई बार डॉक्टर भी डायग्नोज नहीं कर पाते लेकिन आप खुद जो है उसको डायग्नोज कर सकते हैं और उससे बाहर निकल सकते हैं लेकिन उस समय थोड़ा सा आपको खुद कोशिश करनी पड़ती है लेकिन उस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप खुद जो है कोशिश नहीं कर पाते आप ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हुए होते हो तो वो एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन होती है आपके लिए तो उस समय आपको कम से कम सावधान जरूर हो जाना चाहिए तो आगे देखते हैं कि नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर अब मुझे नीचे जाना होगा एंड सी बैरमन और बैरमन से मिलना होगा ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया वो भी जो है निमोनिया से पीड़ित है सफ़र यानी पीड़ित होना निमोनिया uh, से वो भी निमोनिया का शिकार है बट आई एम अफ्रेड लेकिन मुझे बड़ा ही डर है देर इज़ नो फॉर हिम कि उसके जीने की अब कोई संभावना मुझे नज़र नहीं आती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सख्त बीमार है द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम अगली सुबह स्यू आई एंड सेट ऑन जोसीज बेड और वो जोन्सी के बेड के ऊपर बैठ गई टेकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स शी सेड अपने हाथों में जोन्सी का हाथ पकड़े हुए लेकर के शी सेड उसने कहा आई हैव समथिंग टू टेल यू मुझे तुम्हें कुछ बताना है मिस्टर बैरमन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग आज सुबह निमोनिया से श्रीमान बैरमन की डेथ हो गई है ही वॉज इल फॉर ओनली टू डेज़ सिर्फ दो दिनों से ही बीमार थे वो सिर्फ दो दिनों से बीमार थे निमोनिया से द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन द बेड पहले दिन जेनिटर जेनिटर का क्या मतलब है केयर टेकर रखवाला कोई चौकीदार कोई पहरेदार जो उस बिल्डिंग का फ्लैट्स uh, का उस बिल्डिंग का Uh, जो रखवाला था जेनेटर था पहरेदार था चौकीदार था रखवाला था द फर्स्ट डे पहले दिन फाउंड हिम जेनेटर ने उसको पाया ऑन हिज बेड उस अपने बिस्तर पर पड़े हुए उसके बिस्तर के ऊपर पड़े हुए पाया हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट उसके कपड़े और जो जूते थे वर वेट वो गिले थे पानी से एंड ही वो शिवरिंग और वो कांप रहा था ही हैड बिन आउट इन दैट स्टोर नाइट और वो जो तूफ़ानी रात थी उस दिन वो बाहर था यानी घर में नहीं था बाहर था जिस रात जो जौनसी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और अंतिम पत्ता गिरने वाला था वह ऐसा सोच रही थी कि पत्ता गिर जाएगा लेकिन सीओ ने जैसे तैसे करके वो पर्दा ढक दिया था और जौनसी जो है उसको सुला दिया था तो बैरमन उस रात जो है घर में नहीं था बहुत ज़्यादा तूफ़ानी रात थी लेकिन बैरमन जो है पता नहीं कहाँ गया हुआ था आगे देखते हैं देन दे फाउंड अ लेडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइन नियर हीज बेड तब दे फाउंड उन्होंने पाया ए लेडर एक सीढ़ी को एंड अ लेंटर्न एक लालटेन को और एक लालटेन एक सीढ़ी और एक लालटेन ये दो चीज़ें मिली उन्हें स्टिल अभी भी लाइटेड जली हुई ला, लालटेन जो थी अभी भी जली हुई थी प्रकाशित थी लाइन पड़ी हुई नियर हीज बेड उसके बिस्तर के पास यानी उसके बिस्तर के पास एक लालटेन और एक सीढ़ी पड़ी हुई थी और लालटेन अभी भी जल रही थी ये दो चीजें उनको मिली देर वर ऑल्सो सम ब्रशिज एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स ऑन द फ्लोर नियर द लेडर और सीढ़ी के पास उनको और क्या मिला सम ब्रशेज कुछ पेंट करने वाले ब्रश थे एंड ग्रीन एंड येलो पेंट्स और हरा और पीले रंग का पेंट भी पड़ा हुआ था ऑन द फ्लोर फर्श के ऊपर नियर द लेडर उस सीढ़ी के पास में जोनसी डियर सेड सूस्यू ने कहा प्यारी जोन्सी लुक आउट दंडो विंडो के बाहर देखो लुक एट दैट आई वी लीफ और उस आई वी लीफ को आई वी के पत्ते को ध्यान से देखो जरा हैवेंट यू वंड वाइट डजेंट फ्लटर वेन द विंड ग्लोव क्या तुम्हें अचंबा नहीं होता वंडर यानी अचंबा या आश्चर्य होना कि वाई कि क्यों इट डजेंट फ्लटर की यह फड़फड़ाता क्यों नहीं है कि आ, ये जो है फड़फड़ाता क्यों नहीं है वाइट डजेंट फ्लटर ये हवा चलती है द विंड ब्लोज जब हवा चलती है तो पता तो हिलना चाहिए ना लेकिन हवा चलती है तो ये फड़फड़ाता क्यों नहीं है तुम्हें हैरानी नहीं होती दैट्स द बैरमस मास्टर पीस यही बैरमन का मास्टर पीस है ये बैरमन का क्या है मास्टर पीस है जो अपने पूरे जीवन भर का उसका सपना था एक मास्टर पीस बनाना एक दुनिया की सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाना जो उसका सपना था और हर पेंटर का होता है तो हर आर्टिस्ट का होता है कुछ ना कुछ सपना जिस भी फील्ड में वो है कि दुनिया की सर्वोत्तम कृति वो बना करके दे दुनिया को तो ये बैरमन का मास्टर है बैरमन का मास्टर है ये सर्वोच्च उसकी पेंटिंग है क्या वो पत्ता जो फड़फड़ाता नहीं है जब हवा चलती है तो पत्ता फड़फड़ाता नहीं है और गिरता नहीं है उस बेल से यही उसका मास्टरपीस है ही पेंटेड इट द नाइट द लास्टली फेल उसने इसे पेंट किया था कब द नाइट उस रात द लास्टली फेल जब अंतिम पत्ता गिर गया था यानी तुम जिस पत्ते की बात करती थी वो पत्ता तो एक्चुअल में असली जो पत्ता था वो तो गिर गया था लेकिन ये जो यही बैरमन का मास्टर पीस है जो हिलता भी नहीं है हवा चलने पर और गिरता भी नहीं है और ये पत्ता अभी भी वहाँ पर लगा हुआ है ऐसा लगता है कि जैसे किसी एडहीसिव से किसी फेविकोल जैसी चीज से उसको चिपका डा चिपका डाला गया हो और ऐसा इसलिए वो जो है वो गिरता नहीं है क्या तुम्हें अचंबा नहीं होता तो बैरमन ने क्या किया था उस रात अपना मास्टर बनाया था मास्टर पेंटिंग बनाई थी यानी वो जो पत्ता था वो उसने बनाया था दीवार के ऊपर पेंट किया था और इस तरह से डिजाइन किया था कि वो ऐसा लगता था कि उस बेल के ऊपर वो पत्ता लगा हुआ है और इसलिए वो हवा चलने पर भी गिरता नहीं था क्योंकि वो एक पेंटिंग थी लेकिन इतना असली इतना रियलिस्टिक वो पत्ता लगता था कि कोई कह ही नहीं सकता था कि वो पेंटिंग है यानी कि वो कोई नकली पत्ता हो ऐसा कोई कह ही नहीं सकता था एकदम रियलिस्टिक लगता था असली पत्ते के जैसा लगता था तो यही उसका मास्टर था द लास्ट लीफ और वो जो है उस तूफ़ानी रात में बारिश में और इतनी तेज़ हवा चल रही थी उस समय अपने घर के बाहर गया था और उस पत्ते को बनाने के लिए और इसलिए उसको निमोनिया हो गया और वो बेचारा मारा गया उसकी डेथ हो गई लेकिन जोन्सी की जान बचाने के लिए उसने ऐसा किया जोनसी जो थी उसने ऐसी धारणा बना ली थी कि अंतिम पत्ता गिरेगा और वो मर जाएगी तो उसकी ये धारणा तोड़नी थी उसके लिए बैरमन ने अपनी पेंटिंग का इस्तेमाल किया अपनी अपने आर्ट का इस्तेमाल किया और उसी की वजह से उसकी जोनसी की जान बच पाई उसकी धारणा टूटी लेकिन बेचारा जो बैरमन था उसने अपनी जान दे दी अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया जो जोनसी की जान को बचाने के लिए तो यही उसका मास्टर था तो अब आप समझ गए कि आ, जो बैरमन था उसने कैसे अपने मास्टर पेंटिंग के जरिए अपने सपने को भी पूरा किया और अपने सपने को पूरा करते करते अपनी जान भी गवा दी लेकिन उसको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी उसको दो ही बातों से मतलब था सिर्फ एक तो मास्टरपीस से और दूसरा अपने मास्टरपीस के जरिए जोनसी की जान को बचाना ये उसका मकसद था दरअसल जोनसी की जान को बचाना ही उसका एकमात्र मकसद था वो मास्टर है या नहीं ये कोई भी आर्टिस्ट अपने अपनी कला को खुद से मास्टर नहीं बोलेगा दुनिया बोलेगी तो हम कहते हैं कि वो मास्टर था हम कह रहे हैं कि वो मास्टर था क्योंकि उस नकली पत्ते ने जो है जोनसी की जान बचा दी और जोनसी की जिस पत्ते ने जान बचा दी जो कि उसकी कलाकृति थी बैरमन की तो डेफिनेटली एक मास्टर था तो कैसा लगा आपको ये लेसन ओ हेनरी का विलियम सिडनी पोर्टर का उनकी ये शॉर्ट स्टोरी थी जो आपने पढ़ी वो ओ हेनरी नाम से लिखा करते थे पेन नेम था उनका लिखने का नाम था ये एक्चुअल नेम था उनका विलियम सिडनी पोर्टर और इसी नाम से वो शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे और ये इतनी कमाल की स्टोरी उन्होंने लिखी जिसे नाइन्थ क्लास की मोमेंट्स बुक के अंदर शामिल किया गया है तो आपको ये कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी आपको पसंद आई या नहीं आई इसके बारे में आपके क्या विचार हैं इसके बारे में आप ज़रूर बताएं ओ हेनरी